हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज मलाड वेस्ट के एमएलए असलम शेख, जो कि पालक मंत्री भी हैं, उन्होंने मालवनी में टीपू सुल्तान ग्राउंड का ओपनिंग किया और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। लेकिन इसके पीछे टीपू सुल्तान जो ग्राउंड का नाम है उसको लेकर बीजेपी में हमेशा हंगामा रहा है और उसके पार्टी के जो लोग हैं, जैसे कि मलाड के जो अध्यक्ष हैं सुनील कोहली जी, उन्होंने कल इसको लेकर हंगामा किया था और इसका विरोध किया था। और आज देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी टीपू सुल्तान के नाम का विरोध किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो कि असलम शेख, जो कि पालक मंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा मीडिया के साथ। ये मैदान पिछले 10-15 साल से यहाँ पर है और इस मैदान में बहुत ज़माने से लोग यहाँ पे खेलते हैं, मैचेस होती है और ज़्यादातर जो गरीब बच्चे हैं वो इस मैदान में खेलते हैं। इस मैदान की हालत देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से अमीर का बच्चा जाके बड़े बड़े क्लबों में सारे स्पोर्ट्स खेल पाता है, ट्रेनिंग ले पाता है, उसी तरीके से उनकी झोंपड़ी में गरीब बच्चा, मिडिल क्लास का भी बच्चा उसी टाइप की ट्रेनिंग ले पाए। इसीलिए इस मैदान के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बनाने का काम किया, एक वॉलीबॉल कोर्ट बनाने का काम किया, एक बास्केटबॉल बनाने का काम किया और छोटा सा जॉगिंग ट्रैक बनाने का काम। वहाँ पे कुछ नेट्स लगाए हमने, वो इसलिए लगाए कि जो कोच एमसीए में है, जो कोच सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में है, यहाँ से उन लोगों से बात करके वो कोच को लाके हमारे बच्चों को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाए और वो भी जो है इस तरीके की कैटेगरी में आए कि आने वाले दिनों में वो हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, उसके बाद में हमारे देश के लिए खेले। ये सोच है, इस सोच के हिसाब से इस मैदान के अंदर जो हमने डेवलपमेंट किया उसका जो है हमने आज यहाँ पर उद्घाटन किया। अब इस मैदान के अंदर अचानक भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा कि भाई वीर टीपू सुल्तान मैदान के नाम का हम विरोध करते हैं और ये नाम को हम होने नहीं देंगे। वो उनके बारे में बहुत कुछ कहा, मैं वो बोलने नहीं चाहता हूँ। मुझे सिर्फ यही प्रश्न आपके माध्यम से उनसे पूछना है और आज तो विरोधी पक्ष नेता ने भी कह दिया कि ये नाम हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। अगर वो अपनी बात पे कायम है तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान का नाम देने का जिस विधायक ने अनुमोदन दिया था, जिस नगर सेवक ने प्रस्ताव रखा था, क्या उसका रेजिग्नेशन लेंगे? क्या उसको बोलेंगे कि आप अपने आमदार पद से इस्तीफा दो? अगर वो इस्तीफा लेते हैं तो उनकी नीयत सही समझ में आएगी और अगर इस्तीफा नहीं लेते तो आप लोगों को सीधा सीधा ये समझना है कि आने वाले महानगर चुनाव को वो जीतने के लिए किसी भी हद तक का जा सकते हैं। उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई कर्म नहीं, उनके लिए कोई कुछ नहीं। उन्होंने भी यही कहा कि भाई खेल जो है लोगों को जोड़ता है, खेल से लोग जुड़ते हैं, खेल से नफरतें खत्म होती हैं, इसीलिए खेल का मैदान का आज यहाँ पे होता है। असलम भाई, लेकिन उनका विरोध है कि इसका कोई दूसरा नाम रखा जाए, टीपू सुल्तान ही क्यों? क्या टीपू सुल्तान ही नाम क्यों कह रहे हैं कि दूसरा नाम रख लीजिए आप? ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका के नियम के अनुसार एक बार जो नाम किसी भी रोड, किसी भी चौक, किसी भी गार्डन को अगर हिंदुस्तानी व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है तो वो मिटता नहीं, उसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसा महानगर पालिका का कानून है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने उस विधायक से, अपने उस नगर सेवक से, अपने उस माजी महापौर से, यानी जिन्होंने नाम को प्रस्तावित करने का काम किया वो माजी महापौर भारतीय जनता पार्टी, उनसे जाके वो पूछे कि भैया ये 6 साल पहले तक जो वीर टीपू सुल्तान थे, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान थे, उनसे किसी को नफरत नहीं थी, फिर अचानक ये 5-7 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आपको जो है उस नाम से नफरत हो? असलम जी, मराठीत सांगा। असलम जी, मराठीत सांगा। नाम बीएमसी में रजिस्टर्ड है या फिर
एमएमआरडी है या स्लम रिहैबिलिटेशन के जरिए कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है टीपू सुल्तान के नाम पे इस ग्राउंड का नाम? भाई मैं तो आज एक ग्राउंड की ओपनिंग किया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैंने आज यहाँ पे जो है वो बैडमिंटन कोर्ट बनाया, उसकी ओपनिंग किया। वो आप जरा कैमरा घुमाएंगे तो आपको वॉलीबॉल का कोर्ट भी दिखेगा, बास्केटबॉल का भी दिखेगा। मैंने नामकरण का उद्घाटन तो किया ही नहीं हूँ। बस यही समझना है देश को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाती है। आज ओपनिंग किस चीज़ की है और मीडिया में किस चीज़ की बातें घुमा रहे हैं, कमेंट किस चीज़ का हो रहा है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। असलम जो मराठीत सांगा कारण या नावाला बराचसा विरोध झाला, आंदोलन सुद्धा झालं, बजरंग दलासुद्धा भाजपनं आक्रमक भूमिका घेतली आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून सुद्धा या नावाला विरोध होतोय। मी तेच बोलतोय की भारतीय जनता पार्टीचे जे वरिष्ठ नेता हे नावाचा विरोध करत आहे, त्यांनी स्वतःचे नगरसेवक व आत्या असलेले आमदाराला विचारला पाहिजे की तुम्ही आपले मतदारसंघामध्ये या रोडचं नाव वीर टिपू सुलतान का दिलं, आणि आज निवडणुका आली तर तुम्हाला हे सगळं दिसतोय, मग आधी का नाही विरोध केला? आणि ह्या सर्व सामान्यासाठी मैदान करण्यात आलेलं आहे। आज प्रगती पाहिजे लोकांना, आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पाहिजे गरीब लोकांना, स्पोर्ट्सची सिटी पाहिजे जिथे जाऊन लोक खेळू शकतात। नाव बदली करा, नावामध्ये विरोध करा, हे बरोबर जाणार नाही कारण लोक कंटाळले आहेत। गेल्या 15 वर्ष नाव बदला सकते सर, काय कोणी नाव दिलं हे तुम्ही सांगू शकता का? ज्या पद्धतीने हे नामकरणाच्या वरून हा सगळा वाद सुरू झालेला आहे मला पूर्ण माहिती नाही, पण मला वाटते MS चे भारतीय जनता पार्टीचे जे नगरसेवक आहेत त्यांनी नाव प्रस्तावित केलं आहे MS मध्ये। K West मध्ये मला वाटते आता एक्झॅक्ट नाव वाटते, पण सध्या असलेले आमदार आधी असलेले नगरसेवक त्यांनी याला अनुमोदन दिलं आहे। मला वाटते महापौरांनी ते सर्व आपल्या सगळ्यांना सांगितलं की कोणी प्रस्तावित करते त्यांच्याकडे माहिती आहे, सध्या माझ्याकडे माहिती नाही, पण एवढं नक्कीच आहे की भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवकांनी या मुंबईमध्ये वीर टिपू सुलतान, शेरमहेश्वर टिपू सुलतान या नावाने रोडचं नामकरण केलेलं आहे आणि ते पास झालेलं आहे आणि ते कधीही मिटू शकत नाही। या रोडचं नामकरण दिलेलं आहे त्याच्यानंतर ह्या गार्डनला नामकरण दिलंय का? रोडचं नामकरण केल्यानंतर गार्डनला पण हेच नामकरण दिलं होतं का? मला त्याच्या संदर्भात माहिती नाही, पण एवढं माहिती आहे की अंग्रेजाचे विरुद्ध लढत ज्यांनी आपला जीव दिला ते वीर टिपू सुलतान होते। असलम जी नहीं, कहानी तो ये ढूंढो कि इस मैदान में नई चीजें क्या आने वाली है, ढूंढो ये कि यहाँ पे बच्चे कैसे खेलेंगे, आगे नया और क्या बन सकता है। आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप नामों में मत जाओ, आप कामों में जाओ। नाम में तो इस मैदान को कोई देखने नहीं आया, ये कचरे जैसा भरा था, इसके अंदर झोपड़े थे, इसके अंदर जो कचरे डाले जाते थे, आप उनसे पूछिए कि नामों में नहीं कामों की बात। असलम जी आदित्य होल्डिंग जो लगी है उसमें इस नाम का टीपू सुल्तानी नाम दिख रहा है, या इसका नाम है क्या बताएं बस? असलम जी आदित्य ठाकरे म्हणतात की ह्याचं नाव अजून दिलेलंच नाहीये, नाव द्यायचा अधिकार हा मुंबई महानगरपालिकेचा आहे आणि ह्याचं नाव टिपू सुलतान अद्याप दिलेलं नाहीये, असं आदित्य ठाकरेंनी आताच प्रतिक्रिया दिली। बोलले असतील मी कुठे नाही, पण माझा इथे आज जे ओपनिंग आहे ते मी इथे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलं त्याची इथे ओपनिंग। अभी अभी समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471111। धन्यवाद।